सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनदर वीडियो ऑफ थ्री डिजाइन ज्वेलरी। आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे हाउ टू क्रिएट अ हिडन हेलो। एक सॉलिटेयर के नीचे हमने सॉलिटेयर के साइड में हमने हेलो जरूर बनाया हुआ है, एक सॉलिटेयर के नीचे हम हेलो कैसे बनाएंगे आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे। हम क्रिएट करेंगे एक सॉलिटेयर रिंग, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे एक रिंग आईडी 16 mm, हम लेंगे जेमस्टोन, लेंगे कोई फैंसी जेमस्टोन उठाते हैं, हम ट्रिलियन जेमस्टोन उठाते हैं, 6.5 × 6.5 वाला। अब हम इसके नीचे हेलो क्रिएट करेंगे। सबसे पहले इसके प्रॉन्ग्स हम क्रिएट करते हैं सबसे पहले हम, ताकि हमें हेलो बनाने का आइडिया मिल जाए। ये प्रॉन्ग की थिकनेस हम थोड़ी सी कम करते हैं। इसके लिए हमें ये नीचे के रेल्स नहीं चाहिए होंगे, क्योंकि हम इसमें इसके नीचे हम हिडन हेलो क्रिएट करने जा रहे हैं। तो पहले हम लेंगे जम गाइड्स, अप्लाई, हम इसमें 1.1 का डायमंड सेट करें तो इसमें 0.2 इधर से गैप छोड़ेंगे, 0.2 उधर से गैप छोड़ेंगे, तो इसमें टोटल थिकनेस आएगी इसमें हमारी 1.5 की, -1.5। और इसकी हम अंदर की तरफ हम इसमें ऑफसेट लेंगे 1.3 का। इसको कर देंगे हम फिलिप्ट। अब इसको थोड़ा सा डाउन करेंगे, हम देखेंगे ये गर्डल हमारा क्रॉस कर रहा है इसको, तो हम इसको थोड़ा सा ऊंचाई पे सेट करेंगे, इसको हेड बिल्डर को वापस से लेकर आएंगे, ताकि हम इसकी हाइट और थोड़ी सी इंक्रीज कर सके। नाउ अगेन हमें दोबारा से डिलीट करना पड़ेगा ये। अब हम इसको अंदर से करेंगे शैम्फर एच। हम इस प्रॉम की प्रोफाइल को भी हम यहां से चेंज करेंगे, स्वीप वन, और जो कि हिडन हेलो है तो बिल्कुल स्टोन के थोड़ा सा नीचे ही रहेगा। नाउ अब हम इसमें सेट करेंगे हम जेमस्टोन्स।
कि हम लेयर चेंज करेंगे। कमांड हम लेंगे जम ऑन कर, ये हमारा साइज आ गया 1.1 का। अब हम इसमें चेक करेंगे, जेमस्टोन अपनी सही जगह पे रुके। तो हमने जेमस्टोन सेट कर चुके हैं। अरे पोलर करेंगे इसको तीनों तरफ, हम अरे पोलर करेंगे, अरे पोलर। हमें तीनों स्टोन अपने अपनी जगह पे अलग अलग तरीके से सेट करने पड़ेंगे क्योंकि ये जेमस्टोन एक जैसा नहीं है। जमॉन कर क्यूलेट ऑब्जेक्ट नाउ अगेन 1.1। स्पेसिंग फिक्स्ड, हम इसमें गैप बिल्कुल एक्यूरेट है। नाउ अगेन डुप्लीकेट एज जॉइन मेन कर, नो फिर से जम ऑन कर। आप जितना मैट्रिक्स में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप इसमें अपनी कमांड पे कमांड रख पाएंगे अपनी, क्योंकि ये चीजें, ये स्पीड आपकी प्रैक्टिस करने से ही बढ़ेगी। अगेन 1.1, अगेन सर सी स्पेसिंग का अंदाजा ले लेंगे हम फिर से। नो इट्स ओके, मैंने थोड़ा सा इसको डाउन करा। यहाँ पे भी हम इसको स्पेसिंग का अंदाजा लेनी है, एडिट एडिट जमन करके। अब हम इसमें करेंगे हम माइक्रो सेटिंग। माइक्रो सेटिंग करने के लिए हमें जो प्रोफाइल कर्व हम चेंज करेंगे चैनल 07U, और इसको हम करेंगे बेसिक में। और हमने जैसे कि पहले भी मैंने वीडियो में बताया गया, इन दोनों कटर्स के बीच में 1 mm तक का गैप होना चाहिए, 1 mm या उससे थोड़ा सा कम भी चलेगा। अभी अप्रॉक्स 0.8 है, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देंगे क्योंकि जितना छोटा ये बनेगा उतना छोटा सेटर को उतना ज्यादा सेटर को जगह मिलेगी और इतना स्टोन मजबूती से वहां पे जड़ेगा। तो ये 0.9 का और हम हमेशा डाउन, हमें डाउन हमेशा हमारा गर्डल तक होना चाहिए, इसका स्टोन के गर्डल तक हमेशा हमारा डाउन रहना चाहिए। हम वापस से इसको क्रिएट करेंगे माइक्रो प्रॉन्ग कटर
वापस से आपका उसी उसी तरीके से सेटिंग आ जाएगी जो आपने पहले कर रखी थी। इसको हमने ड्रॉप करा गर्डल तक हम ले आए हैं इसके, और ऐसे ही तीनों स्टोन्स को हम सेट करेंगे, तीनों फेसेस के स्टोन को हम ऐसे सेट करेंगे। इसमें लिखेंगे माइक्रो प्रॉन्ग कटर, नो एक एक जगह करके करना पड़ेगा, माइक्रो प्रॉन्ग कटर, माइक्रो प्रॉन्ग कटर, नो। अब ऐसे ही मिडल के लिए भी हम सेट करेंगे, मिडल के लिए इस कटर के ठीक हाफ में सेट होगा, माइक्रो प्रॉन्ग कटर, नो, स्टैंडर्ड मिडल, और प्रोफाइल कर्व हमने चेंज करी। इसको हमने थोड़ा हाफ तक करा, और इसकी विड्थ हमने करी 10 तक। सबसे लास्ट वाले स्टोन के लिए ये वाला कटर काम का नहीं है, इसे भी हम हटाएंगे, और ऐसे ही हम इसमें भी हम मिडल कटर लगाएंगे, माइक्रो प्रॉन्ग कटर, इसको हम ये वाला कटर सेट करेंगे और मिडल में सेट करेंगे। हम इसको बुलियन डिफरेंस, एक सेकेंड, बुलियन डिफरेंस नहीं करेंगे, अब हम इसमें चैनल बिल्डर से मिडल वाला कटर भी लगाएंगे, आगे चैनल बिल्डर, चैनल बिल्डर की प्रोफाइल भी हम वही सेम रखेंगे, चैनल 07, और ये जितना पतला हो सकेगा उसको उतना पतला रखेंगे, क्योंकि अगेन स्टोन सेट करने की स्पेस मिलनी चाहिए सेटर को। और ये हमने उतना ही रखा है जितना हमने यू कटर बना रखा था अपना। नाउ इस पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे, नाउ अगेन चैनल बिल्डर कटर, चैनल बिल्डर, यहाँ पे भी आ गया, नो अगेन वापस से हम इसमें चैनल बिल्डर यहाँ पे सेट कर देंगे। अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, बुलियन डिफरेंस करेंगे, अभी हमने यहाँ पे बुलियन डिफरेंस कर दिया। अब हम सबसे लास्ट इसमें हम मारेंगे हम जेम कटर, जेम कटर हम इसमें मारेंगे, नो ये पायलट होल स्ट्रेट में हम ये जेम कटर मारेंगे, इसको थ्रू एंड थ्रू नहीं करेंगे, द आर पार नहीं करेंगे इसको हम, और इसको हम यहां पे रखेंगे 90 to 95% के बीच में, ताकि सेटर को ये इतना पोर्शन तो एटलीस्ट मिले सेट करने का, आपका स्टोन आराम से सेट हो जाए। हमने यहाँ पे 90% रखा है, वैसे ही यहाँ पे हम जेम स्टोन को सेलेक्ट करेंगे, जेम कटर सेलेक्ट करेंगे, तो वही कटर हमारा आ जाएगा जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा था, जिस मेजरमेंट में हमने वहां पर सबसे पहला सेलेक्ट करा था, उसी जेम कटर ले आएंगे। नाउ बुलियन डिफरेंस सेलेक्ट सेलेक्ट, हम उसको आगे बुलियन डिफरेंस करेंगे, हमारा बुलियन डिफरेंस हो चुका है, हम चेक करेंगे, ये हमारे होल्स भी हो चुके हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे ये माइक्रो सेटिंग भी यहाँ पे हम कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब हम इसको एक रिंग में सेट करेंगे, हम इसको अब हम एक रिंग बनाएंगे, ये हमारा तैयार हो गया है हिडन हेलो। अब हम इसको एक रिंग में सेट करेंगे, इसको पॉइंट नाइन,
हम यहाँ पे ध्यान रहे प्रोजेक्ट ऑन रखेंगे। अब हम एक बैंड बनाने जा रहे हैं, उस बैंड में भी हम माइक्रो सेटिंग करेंगे। हमने दोबारा से आईडी लिया है और इस आईडी को हम फिंगर में ला करके इसको लॉक कर देते हैं। इसके हम कंट्रोल पॉइंट्स हम इसके सेट कर रहे हैं। जहां पे भी कर्व बहुत स्मूथ लगे, पॉइंट ज्यादा ना हो, बस ये ध्यान रहे, और कर्व कर्व आड़ी टेढ़ी ना हो, कर्व बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए। हम इसको अंदर करना पड़ेगा, इसको इस कर को हम अंदर करेंगे। हम अब हम इसको एक्सट्रूड करके देखेंगे। इसमें कुछ इश्यूज हैं, हम इसको भी रिजॉल्व करेंगे। हमने इसको रिजॉल्व कर लिया है। नाउ हम इसका एक्सट्रूड करेंगे बोथ साइड। हम इसमें 1.3 का 1.3 की किस डायमंड हम सेट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हम 1.7 की हम थिकनेस रखेंगे। सो इसके लिए हम फिलेट करेंगे, 0.25 का फिलेट करेंगे। अब हम इसको इसके मेन कर्व निकालेंगे,
मीन कप निकाल करके हम उसे जेम स्टोन सेट करेंगे। जेम ऑन कर्व यूज करेंगे, क्यूलेट को पकड़ेंगे और ऑप्ट ओ को प्रेस करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे सेट करेंगे 1.3 का स्टोन, 1.3 का डायमंड हमने सेट करा। और हमने मिडल तक लेके गए इसको। नाउ इसको टिल पवेलियन तक इसको थोड़ा सा डाउन कर देंगे। इसमें भी हम वही सेम तरीके से हम इसमें माइक्रो सेट करेंगे। हम इसमें माइक्रो सेट करने जा रहे हैं, इसको डाउन वाले को हम फिलेट करेंगे, नीचे वाले को 0.1 से हमने फिलेट कर दिया। हम वापस से इसको माइक्रो करने जा रहे हैं। इसको अगेन सब चीजें वही यूज करेंगे हम इसमें, माइक्रो प्रॉन्ग कटर, को हम मिडल में लेंगे और माइक्रो प्रोंगेटर वापस से इसको हम डाउन तक करेंगे जहां पे गर्डल है। तो इस तरीके से हमने माइक्रो सेटिंग करी। जैसे ही हमने ऊपर प्रोसेस करा वैसे ही हम नीचे भी प्रोसेस करेंगे। सो इस तरीके से हमने माइक्रो सेटिंग यहाँ पे कर ली है। जैसे हमने ऊपर प्रोसेस करा था वैसे ही हमने प्रोसेस नीचे फॉलो करा है। इसको हम ग्रुपिंग करेंगे और दोनों तरफ मिरर कर देंगे। नाउ अब हम इसको अनलॉक करेंगे 0.9 करेंगे। हम इसको दोनों तरफ सेलेक्ट करके हम इसको इसके प्रॉन्ग्स को हम सेलेक्ट करेंगे और हल्का सा केज एडिट से इसको अंदर करेंगे। ये अंदर तक समझ जाए। तो ये हिडन हेलो वाली रिंग हमारे लिए बनकर रेडी है। तो वीडियो अगर अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।